इसके पहले प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 2.1 का एक वीडियो बना करके डाल दिया है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, तो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का 1 नंबर आप लोग देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 है। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, तो जीरो लिखते हैं, शून्यक मतलब जीरो होता है। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे। आप लोग 8 क्लास में और 9th क्लास में गुणनखंड पढ़े ही होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ओके आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना है मन में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में माइनस 8 एक्स से माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों से तो मतलब है नहीं, आपको क्या करना है बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से माइनस 2x आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 4x अब प्लस के 2x और यहाँ पर माइनस 8 है, माइनस 8 उतार देते हैं बराबर जीरो। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले का बात माइनस 4x में जोड़ना कितना है तो 2x, तो माइनस 4x से 2x घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो माइनस 4x से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2x बचेगा, माइनस 2x बचेगा तो माइनस 2x आ गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, इसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 4x से 2x घट गया फिर से माइनस 2x बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिएगा तो 4 दुना 8 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया और x में x से गुना करने पर x स्क्वायर हो गया। तो यही शर्त है, पहला शर्त क्या है प्यारे बच्चों, कि पहला शर्त है फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से क्या करना है गुना, तो x स्क्वायर में माइनस 8 से गुना किए तो माइनस 8x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बीच वाला को तोड़ दिए माइनस 4x प्लस 2x में, तो 4 दुना कितने हो गए 8 और x में x से गुना करने पर x स्क्वायर और जोड़िए घटाइएगा तो फिर से 4x से 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2x बच गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, 8 का 8 यहाँ पे उतार दिए। चलिए अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या है x है, इसमें भी x है और 4x इसमें तो x है ही है, तो आइए दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 गो x है और 1 गो x तो बाहर है तो अंदर बच जाएगा 1 गो x, माइनस के माइनस, अब 4x से x तो निकल गया है बाहर तो क्या बच जाएंगे, तो 4 बच जाएंगे। ओके अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ओके देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आता है और 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 2x से 2 तो निकल गया तो क्या बच गया, खाली x बच गया, तो x लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखेंगे। ओके अब यहाँ पर 8 लाना है, क्या लाना है 8, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 4, आप लोग कहिएगा कि सर जी 4 रखिएगा तो 4 दुना 8 हो जाएगा, तो आइए 4 रख देते हैं, 4 दुना कितने हो गए 8 बराबर कितना है 0। तो इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों दोनों सेम है, x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, जो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं। तो चलिए x माइनस 4 को एक बार लिख लेते हैं और फिर क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 बराबर कितने 0। ओके और यहाँ से क्या कर देंगे, x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं, अब यहाँ से x को रोक लेंगे, माइनस में है 4, बराबर के उस पर क्या चीज में चला जाएगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी माइनस है तो प्लस में चल गया, तो यहाँ पे x का मान 4 आ गया, एगो आंसर निकल गया शून्यक। अब दूसरी का शून्यक निकालते हैं, देखिए x को रोक लेंगे 2 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में,
तो यहाँ पे दुसरका शून्य भी निकल गया, कितना आंसर आ गया तो माइनस का 2 आ गया। तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग इसका अपसंबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो इसको जांच करने के लिए प्यारे बच्चों, इसको जांच करने के लिए हम लोग यहां पे जांच कर लेते हैं, इसका जांच, इसका हम लोग यहां से जांच कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पहली संख्या को अल्फा कहते हैं और दूसरी जो शून्य का आया है उसको बीटा कहते हैं। पहली शून्य का अल्फा और दूसरी शून्य को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। तो अल्फा के मान कितना है देखिए, तो 4 है और बीटा के मान -2 है। तो यहाँ पे 4 और प्लस -2 करना है। देखिए बीटा का मान कितना है, -2 है, तो बीटा की जगह पर क्या रख दिए, -2। ओके, अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया 4 प्लस -2। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 2 घट जाएगा, माइनस में है इसलिए घट जाएगा, तो 2 बच गया। अब लिखेंगे, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a, याद रखिएगा इसको। चलिए लिख लीजिएगा आराम से अपना कॉपी में, नोटबुक में। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के मान होता है -b/a। तो चलिए पहली संख्या को यहाँ पर a कहते हैं, दूसरी संख्या को b कहते हैं और तीसरी को आप लोग बताइए, हाँ c कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे b का मान कितना है, -2 है। तो आइए यहाँ पर पहले से माइनस है लिख देते हैं और बी के जगह पर कितना रखेंगे, -2। ओके, आई एक्स वाला को छोड़ दिया जाता है, खाली -2 हो गया, राइट। अब यहाँ से ए, तो ए का मान कितना है, तो इसमें एक छुपा रहता है, एक क्या रहता है प्यारे बच्चों, तो छुपा रहता है, एक से स्क्वायर नहीं रखेंगे, एक रखेंगे। तो ए का मान कितने होगा, एक। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, माइनस माइनस प्लस, 2, 2 में एक से भाग देंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा के मान भी 2 आया और -b/a का मान भी 2 आया। जब आर एच एस यानी दाहिना साइड बराबर हो, दाया पक्ष इसका बराबर है, आर एच एस राइट हैंड साइड इसका बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। सत्यापित, यही तो सत्यापित करना था बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 4s² - 4s+1 है। इसको क्या करना है, तो शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को बतावे की है कि फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना है। तो आइए 4s² में 1 से गुना करेंगे तो 4s² आएगा, ठीक है। एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है इसलिए प्लस में लिखे हैं। अब क्या करना है, बीच वाला को ऐसे तोड़ देना है कि गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से -4s आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 4s² इसको हम लोग लिख सकते हैं -k2s और -k2s। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए, क्योंकि -k2s और -k2s यहाँ पे 2 गो s और 2 गो s, कै गो s हो जाएंगे, फिर से 4s हो जाएंगे, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, एस में एस से s² माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, कोई फर्क पड़ा नहीं। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, तो 1 है, 1 यहाँ से उतार देंगे बराबर 0। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए 2s है और इसमें भी 2s छुपा है, तो हम लोग 2s को कॉमन निकाल लेंगे। 2s कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे 4 लाना है, क्या लाना है, 4। तो यहाँ पर 4 लाना है तो कितने रखेंगे, तो आप लोग कहिएगा सर जी 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, राइट है। चलिए अब 2 गो s है तो एगो तो बाहर अवे है, तो कई गो अंदर रह जाएगा, तो एगो भीतर वह रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, s में s से गुना करने पर s²
अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब 2s जो है पूरा के पूरा बाहर है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, 1 रख देंगे, 2s से कम 2s, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो माइनस से रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 1, तो चलिए 1 कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यों के त्यों उतार देंगे, 2s का 2s उतार दिए। अब यहाँ पे प्लस लाना है, क्या लाना है प्लस, तो अंदर रखना पड़ेगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, है कि नहीं। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर क्या है 1 है, तो 1 लिख देते हैं बराबर 0। और यहां से देखिए दोनों सेम है, 2s-1 2s-1, और याद रखिएगा आपका सेम आएगा तभी आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। तो इसमें दोनों सेम आया है मतलब सही है, 2s-1 और एक ठो कितना है 2s-1 है, तो इसको भी लिखते हैं 2s-1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 2s-1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार 2s-1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर 2s को रोक लेंगे, 1 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, और s को रोकेंगे 2 है गुना में तो बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो 2 को लिख देते हैं बट्टा में, एक आंसर निकल गया यहाँ पे। चलिए अब दूसरा आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए 2s को रोक लेंगे, 1 है माइनस में आ जाएगा प्लस में, s को रोकेंगे 2 है गुना में आ जाएगा इधर बट्टा में, ओके। तो यह हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, तो जांच करते हैं यहां से, जांच जांच कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा तो आप लोग बताइए अल्फा कौन होता है, तो पहला आप लोग कहिएगा प्यारे बच्चों कि सर जी पहला जो शून्यक होता है वह अल्फा के मान होता है और दूसरा शून्यक बीटा के, तो अल्फा के मान क्या है 1/2 है, तो 1/2, और बीटा के मान कितना है तो 1/2 है, तो आइए 1/2 रखते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 और 2 के एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 2 एकम 2। देखिए अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, तो 2 और 2 के एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 1 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 1 लिखते हैं। अब यहां पर एक एक और एक कितने हो जाएंगे 2, और बट्टा में कितने 2, 2 से 2 कट गया एक मरतबे, तो अल्फा प्लस बीटा के माना गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग बताइए, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यह फॉर्मूला है आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है माइनस बी बटा ए। तो आइए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, पहला संख्या ए होता है, दूसरा संख्या बी होता है, तीसरा संख्या सी होता है, तो बताइए यहाँ पर b के मान कितना है -4 है, तो यहाँ पर माइनस है पहले से रख देते हैं और b के मान रख देंगे -4। बट्टा में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर a का मान कितना है 4 है, s वाला छोड़ देते हैं, s स्क्वायर वाला छोड़ देते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो अचर मान है ना वह रखा जाता है, चर वाला छोड़ दिया जाता है, तो अचर कितने हैं 4 है, चलिए 4 रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताइए माइनस माइनस प्लस 4 और बट्टा में 4, कई मरतबे कटेगा, तो एक मरतबे कट गया। तो आप लोग क्या देख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के मान 1 आ गया और माइनस बी बटा ए का मान भी 1 आ गया। जब दाया पक्ष दोनों का बराबर है तो बाया पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, देखिए इधर दाहिना हो गया इधर बाया हो गया, तो बाया पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यही तो साबित करना था सत्यापित। तो बच्चों आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 का 3रा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x
इसका हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है। तो आप लोग बताइए शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं। तो आप लोग कहिएगा सर जी जीरो लिखते हैं, तो आइए जीरो लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6x² है और माइनस में है 7x, तो इसको सजा करके थोड़ा सा लिख लेते हैं 7x, और 3 को लास्ट में कर देते हैं बराबर जीरो। अब देखिए आप लोग को बतलाए थे कि फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना है, तो आइए गुना कर लेते हैं। 6 तिरका 18 और x² है, x² लिखेंगे और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बीच वाला को ऐसे तोड़ना है ना कि गुना करने पर 18x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 7x आ जाए। तो आइए हम लोग इसको कंडीशन को पूरा करते हैं। कैसे, 6x² को लिख दिए। अब यहां से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के 9x। चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं प्लस के 2x, ओके प्लस के 2x और माइनस का 9x। ठीक, अब यहाँ देखिएगा तो 9x माइनस में है और 2x प्लस में, तो 9x से 2x घट जाएगा तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 7x, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे -3 है, -3 लिखते हैं बराबर जीरो। अब आप लोग देखिए गुना करके देख सकते हैं, 9 दुना 18 x² आ गया कि नहीं, और जोड़िए घटाइएगा तो फिर से 7x आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों में क्या है, तो देखिएगा इसमें भी 2x छुपा है और इसमें भी 2x है, तो हम लोग 2x कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 लाना है तो अंदर कितना रखेंगे कि कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 में 3 से करेंगे, 3 दुना 6, ओके, और 2 गो 1 है तो 1 गो तो बाहर है, तो अंदर कितने बच जाएंगे, 1 गो 1, ओके प्लस है प्लस। चलिए अब यहाँ से 2x पूरा के पूरा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे, 2x से कम 2x। चलिए अब यहाँ पे माइनस है प्यारे बच्चों, तो माइनस रख देंगे, और देखिए 3 के पहरा में 9 आता है, 3 के पहरा में 3 आता है, तो हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे, कितना निकालेंगे 3, तो यहाँ पर 9 लाना है बच्चों, तो अंदर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तभी तो 3 तिहाई 9 होगा, ओके, और x रह जाएगा अंदर माइनस। देखिए यहाँ पर क्या करना है, माइनस लाना है, तो अंदर प्लस रखेंगे तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। चलिए आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। ये चारों आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 तो बाहर निकल चुका है, तो इसके जगह पर कितने रह जाएंगे, तो 1 रह जाएंगे, ओके। चलिए 1 रखते हैं बराबर कितना, 0। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा दोनों सेम है, 3x + 1 3x + 1 जो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो चलिए 3x + 1 को एक बार लिख दिए। यहाँ पे 2x - 3 बच गया, तो इसको भी लिखेंगे 2x - 3 बराबर कितने हो जाएंगे, तो 0, ओके। अब क्या कीजिएगा, 3x + 1 को एक बार 0 के बराबर और 2x - 3 को एक बार 0 के बराबर। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, 3x + 1 बराबर 0 और एक बार 2x - 3 बराबर 0। चलिए अब 3x को रोकेंगे, 1 है प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, और यहां से x को रोक लेंगे, 3 है गुना में चला जाएगा इधर बट्टा में, तो यहां पर आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1/3, 1/3 आ गया। चलिए इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2x को रोक लेंगे, 3 है प्लस में बराबर के उस पर चले जाएंगे माइनस में, सॉरी यहाँ पे 3 है माइनस में तो चले जाएंगे प्लस में। चलिए तो अब यहाँ से x को रोक लेंगे, 2 है गुना में आ जाएगा इधर बट्टा में, तो 2 को लिख देते हैं बट्टा में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर हो गया 3/2 - 1/3। अब इसका प्यारे बच्चों हम लोग को जांच करना है, तो आइए इसका जांच करते हैं, आइए इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
देखिए, अल्फा पहला जो आंसर होता है शून्य, वह अल्फा के मान है, और दूसरा बीटा के मान। तो अल्फा के मान कितना है? -1/3 है, और बीटा के मान 3/2 है। तो आइए रखते हैं -1/3, और बीटा के मान है 3/2। चलिए इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, और 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 2 आ गया, 2 एकम 2 प्लस 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 3 आया, 3 तिया हो जाएंगे 9। तो यहाँ से 9 से 2 घटेगा 7/6। अब बताइए अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा सर जी -B/A होता है। तो चलिए पहला जो इसमें अक्षर है, चलिए इसमें इसमें देखते हैं, यह सजाया हुआ है, ठीक है। तो पहला ए, दूसरी का बी, तीसरी का सी। तो ए के मान कितना है? 6 है, बी के मान -7 है। सिर्फ अचर वाला अक्षर देखा जाता है, चर वाला नहीं, ठीक है, ABCD वाला अक्षर छोड़ देंगे। इसमें 6 है, इसमें -7 है, और सी के मान -3 है। तो हमको क्या चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे -B चाहिए। तो देखिए B का मान कितना है? -7 है। चलिए माइनस है, पहले से माइनस लिख देते हैं। बी के मान, बी के जगह पर -7 रखेंगे, और बट्टा में ए। तो ए के मान कितने हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग कहिएगा 6 है सर जी। तो चलिए 6 लिखते हैं। ओके, अभी यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे --+7 और बट्टा में 6। तो आप लोग क्या देख रहा है, अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया 7/6, और -B/A का मान भी आ गया 7/6, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है -B/A के। ओके, सत्यापित। चलिए इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग अब एक का चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 4u² + 8u है। अब आप लोग बताइए शून्य निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और चलिए अब यहाँ से 4u² को रोक लेंगे। 8u क्या चीज में है प्यारे बच्चों? तो वह है प्लस में, तो बराबर के इस पर आ जाएंगे, -8u। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है क्या है, तो यू 1 बार है तो कट जाएगा, और यहाँ पे 2 बार है, तो 1 बार कट गया तो कई बार बच गया, 1 बार बच गया। तो इधर बच गया प्यारे बच्चों 4u - -8 बच गया, ठीक। अब यहाँ से इसको भी काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या बच गया, यू बराबर आ गया -2। कितने आ गया? -2। तो यहाँ पर शून्यक हमेशा याद रखिए 2 ठो होते हैं, कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पर एक जो शून्यक हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एक जो शून्यक तो 2 आ गया, लेकिन दूसरे का शून्यक क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसका जांच करना है, तो आइए इसका जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं? तो आइए जांच करना आप लोग को बताते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, चलिए पहल का आंसर जो होता है अल्फा होता है, यह देखिए यहाँ पे कॉमा है, यह -2 है, यह 0 है। तो पहल का आंसर कितने हैं? -2। और बीटा के मान कितने हैं? तो 0 है। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे, -2 ये आएगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा के मान कितने होते हैं? तो आप लोग कहिएगा बच्चों कि -B/A होते हैं। तो चलिए पहल का जो होता है ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी। तो ए के मान कितना है प्यारे बच्चों? तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे ए के मान 4 है, और बी के मान 8 है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? -B चाहिए। तो बी के मान 8 है, चलिए यहाँ पे बी के जगह पर 8 रख देते हैं, पहले से माइनस है, माइनस लगा दिए। और ए, तो ए के मान कितने हैं? तो 4 है, तो चलिए 4 रखते हैं। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे कितने आ गया? -2, माइनस है 2 है, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा के मान -2 आ गया, और -B/A का मान भी -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। सत्यापित, सत्यापित, यही तो साबित करना था। देखिए यहाँ पर सिंपल है, इधर
दाहिना तरफ -2 आ गया और इधर का भी -2 आ गया। मतलब दाहिना तरफ जब बराबर रहता है, दाया पक्ष बराबर है, तो बाया पक्ष ऑलरेडी बराबर हो जाता है, तो ए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -D/1, सत्यापित हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर, 1 का 5। देखिए 1 का 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो T²-15, T²-15 का मान निकालना है, शून्यक निकालना है। तो आप लोग बताइए, शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखते हैं, 0। और यहाँ से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे T² को रोकेंगे, 15 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में। चलिए अब देखिए, यहाँ पर T² बराबर क्या बच गया, 15। यहाँ से स्क्वायर हटता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है, प्लस माइनस इधर रूट चढ़ जाता है। ओके, तो इसीलिए टी का जो मान है वह एक बार प्लस में √15 आ गया और एक बार माइनस में √15 आ गया, यही आपका शून्यक निकल गया। अब चलिए इसको जांच कर लेते हैं हम लोग। चलिए जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, देखिए पहल का जो शून्यक होता है वह अल्फा होता है और दूसरी का बीटा, तो अल्फा के मान है √15 और बीटा के मान है कितना, तो -√15 रख देते हैं। चलिए √15 से √15 घट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 0 बच गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना होता है, -B/A होता है। चलिए पहल का जो होता है ए होता है और दूसरे का चर वाला मान क्या होता है, बी होता है, तो दूसरे का तो देवे नहीं किया, तो 0 है, ठीक है, बी के मान यहाँ पे क्या है, 0 है। देखिए पहल का जो होता है चर मान वह ए होता है, दूसरे का चर मान बी होता है, और तीसरे का अचर मान सी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख क्या रहे हैं कि दूसरे का चर मान नहीं दिया है, तो डायरेक्ट तीसरे का लास्ट वाला अचर मान दे दिया है, तो यहाँ पे b के मान कितना है, 0 है। चलिए 0 लिखते हैं, माइनस है माइनस लगा दी। a का मान, एक छुपा रहता है इसमें, इसमें एक छुपा है कि नहीं आप लोग बताइए, हाँ जी एक छुपा है। चलिए तो यहाँ पे एक, तो 0 में एक से भाग देंगे तो 0 आएगा, है कि नहीं। चलिए तो आप लोग क्या देख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के मान 0 आ गया और -B/A का मान भी 0 आ गया। तो देखिए दाया पक्ष बराबर है, तो बाया पक्ष ऑलरेडी बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -B/A, सत्यापित हो गया, यही तो करना था सत्यापित, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक ले 5 तक देख लिया, चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 6ठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे 1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 3x²-x-4, इसको शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या लिखेंगे, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पर 0 लिखते हैं, तो चलिए 0 लिख दिए। अब यहाँ से क्या बोले थे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना, तो 4 3 12x² माइनस में, माइनस है तो माइनस के 12x². अब आप लोग को बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -x आ जाए और फिर गुना करने पर -12x² आ जाए, तो चलिए आइए तोड़ते हैं इसको, 3x² इसको लिख सकते हैं माइनस के, लिख देते हैं यहाँ पे प्लस का 3x, प्लस के 3x और माइनस के 4x, अब -4 है लिए है बराबर 0। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में 4x है और प्लस में 3x है, तो 4x से 3 गो x घट जाएगा, तो फिर कितने x बच जाएंगे, माइनस के x बच जाएगा, 4x से 3x घट गए तो कितने बच गए, माइनस के x बच गए। ओके कोई फर्क पड़ा नहीं, और ऐसे गुना कीजिएगा, 4 3 12, x में x² है, माइनस है तो माइनस हो गया। तो आइए हम लोग इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी 3x छुपा है और इसमें भी 3x है, तो यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, 3 का बाहर निकल गया, 2 गो x है तो 1 गो x तो बाहर निकल गया, अंदर बच जाएगा 1 गो x। अब यहाँ पे 3x
पूरा के पूरा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, वन बच जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, तो माइनस है, तो माइनस और चार हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए चार एक्स से चार कॉमन निकल गया, क्या बच गया, तो एक्स बच गया। और यहाँ पर बच्चों हम लोग को लाना है माइनस, तो अंदर रखेंगे प्लस, तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर चार तो बाहर निकल चुका है, तो इसके जगह पर एक, चार एकम चार बराबर कितने, जीरो। चलिए अब दोनों सेम है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन सेम रहता है, उसको एक बार लिखते हैं। चलिए और जो बच गया थ्री एक्स माइनस चार, इसको भी लिखते हैं, थ्री एक्स माइनस चार बराबर जीरो। अब यहां से प्यारे बच्चों एक्स प्लस वन बराबर जीरो लिखेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर कर देंगे और एक बार इसको। ठीक, तो यहां से थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स को रोक लेंगे, वन है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो ये शून्य मेरा यह निकल गया। अब दूसरा शून्य निकालते हैं, चलिए थ्री एक्स को रोकेंगे, चार है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, और एक्स को रोकेंगे, तीन है गुना में, आ जाएगा इधर बट्टा में, तो इधर बट्टा में लिख लेते हैं तीन, यह हमारा दूसरी का शून्य निकल गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका जांच करेंगे, जांच तो देखिए जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों यहाँ पे आप लोग बताइए, पहला शून्य अल्फा होता है, दूसरा शून्य बीटा होता है, तो अल्फा के मान रखेंगे माइनस वन और प्लस, बीटा के मान कितने हैं, तीन, चार बट्टा तीन है, तो आइए चार बट्टा तीन रखते हैं, बट्टा में एक छुपा रहता है, एक और तीन का एलसीएम तीन आ गया, तीन में एक से भाग देंगे तीन, और तीन में एक से गुना करेंगे तीन, प्लस तीन से तीन कैंसिल, क्या बच गया चार, तो यहां से चार से तीन जाएगा एक बट्टा तीन। ओके, यह हमारा आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर जी अल्फा प्लस बीटा के मान होता है माइनस बी बटा ए, तो चलिए बी बटा माइनस बी बटा ए रख देते हैं। पहला मान ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। ओके, तो हमको क्या चाहिए, माइनस बी चाहिए, तो बी के मान कितना है, एक। देखिए चर वाला मान नहीं लिया जाता, अचर वाला, इसमें एक छुपा रहता है अचर। ओके, तो माइनस एक, माइनस है तो माइनस एक हो गया। चलिए तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखते हैं और बी की जगह पर माइनस एक रख देते हैं, और ए, तो ए देखिए कितना है प्यारे बच्चों, तो तीन है, तो चलिए तीन लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एक बट्टा तीन, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया एक बट्टा तीन, और माइनस बी बटा ए का मान भी आ गया एक बटा तीन। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, जब देखिए दाया पक्ष बराबर हो गया एक बटा तीन एक बटा तीन, तो बाया पक्ष भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे माइनस बी बटा ए, सत्यापित, यही तो साबित करना था। तो प्यारे बच्चों हमारा यह जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर एक पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो आइए हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये सभी के सभी किस पर निकलेंगे, तो देखिए ये एक फॉर्मूला पे निकलेंगे, द्विघात बहुपद के, जो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वह क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फार्मूला होता है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए और इसी पर सभी के सभी बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो का एक नंबर क्वेश्चन, दो का एक नंबर कितना है, तो यहाँ पे एक बटा चार दिया है और एक टू माइनस वन दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है एक बटा चार। ओके,
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यक मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का जो योगफल है, योगफल मतलब जोड़ 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि कितना दिया है, -1, यानी कि दिया है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दिया है, -1 दे दिया है। ओके, तो चलिए हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, आप लोग बताइए द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के सूत्र हो जाता है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आइए यहाँ पे मान रख लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर रख देंगे। ओके, और यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, 1/4 है। तो आइए यहाँ पे 1/4 रखते हैं और साथ में क्या है, एक्स है। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, -1 है। तो आइए यहाँ पे -1 रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए करना क्या होता है कि बट्टा में जो संख्या आता है उसी से सब में गुना कर देते हैं। तो बट्टा में कितने हैं, 4 है। हर में कितने हैं, हर में जो संख्या रहता है उससे सब में गुना कर देते हैं। तो हर में 4 है तो सब में 4 से गुना कर देंगे, चलिए कर देंगे। तो आइए गुना करते हैं, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और इस 1/4 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 4 से 4 कटिए गया, खाली क्या बच गया है, एक्स बच गया, एक से कम एक्स। तो आइए यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ओके, एक में 4 से अगर गुना करते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ओके, तो यही आपका द्विघात बहुपद आ गया मेरे दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिया है √2 और 1/3। तो आइए लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, तो वह दे दिया है आपका √2 और 1/3। √2 अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दिया है, तो वह दे दिया है 1/3। चलिए अब यहाँ पे द्विघात सूत्र के फॉर्मूला पर रखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आप लोग बताइए, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ओके, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो इधर तो जगह नहीं है, चलिए ऊपर की साइड यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पे x² है बच्चों, तो x² रख देंगे, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के मान √2 है, तो आइए √2 रखते हैं, और उसके बाद में क्या है, एक्स है, एक्स रख देते हैं, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, तो 1/3 है, अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3 रख देते हैं। ओके, अब आप लोग को क्या बताए थे कि जो बट्टा में यानी हर में रहता है उसी से सब में गुना हो जाता है, तो हर में कौन है, 3 है, 3 से सब में गुना कर देंगे। तो 3 में x² से 3x² माइनस 3 में √3 √2x से, तो 3√2x हो जाएगा, और 1/3 में 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। ओके, तो 1 लिख देते हैं, राइट। तो चलिए यह आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 0 और √5 दिया है। तो आइए अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा के मान दे दिया है √5। तो चलिए यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बताइए, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखते हैं, ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, तो आप कहिएगा जीरो है, और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स है। चलिए प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है, तो रूट पांच है, तो यहाँ पे रूट पांच रख देंगे, एक्स स्क्वायर और जीरो से गुना करने पर एक्स में जीरो ही आएगा, ठीक है। अब प्लस में कितना है, रूट पांच है। चलिए तो जीरो को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट प्लस में रूट पांच लिखेंगे, तो यह आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ता है, दिया है, ओके, तो क्या दिया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है कितना, एक है, अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है एक, और अल्फा इंटू बीटा के मान क्या दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान भी एक दिया है, ओके। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है आप लोग बोलिए, तो आप लोग कहिएगा सर जी द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, तो चलिए इसका मान रखते हैं, आइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है बच्चों, तो एक है, तो यहाँ पे एक रखेंगे गुना एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, एक है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर एक रख देंगे, अब गुना कीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स एकम माइनस एक्स, ओके, एक से गुना करेंगे एक्स में, एक से कम एक्स, माइनस के माइनस प्लस के वन, तो यही आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है पांच नंबर, वह क्या दे दिया है, तो वह दिया है अल्फा, देखिए यह हमारा पांच नंबर हो गया, यह हमारा कितने नंबर हो गया, पांच नंबर दिया है अल्फा प्लस बीटा के मान, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या दिया है, तो माइनस चार एक बटा चार, माइनस एक बटा चार दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है कितना दिया है बच्चों, तो वह दे दिया है, वह दे दिया है आपका एक बटा चार, एक बटा चार, तो यहां से द्विघात बहुपद निकालेंगे, इसलिए द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो चलिए इसका मान रख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, माइनस एक बटा चार है, आइए हम लोग अल्फा प्लस बीटा के मान रखते हैं माइनस एक बटा चार, और पहले से यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लिखे है, ठीक है, फिर एक्स है साथ में एक्स लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा के मान है एक बटा चार, तो एक बटा चार लिख देंगे, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, अब यहाँ पे एक बटा चार एक्स है, एक्स लिखेंगे, फिर प्लस एक बटा चार, तो बताइए यहाँ पे बट्टा में हर में कौन है, चार है, तो चार से सभी में क्या हो जाएंगे गुना, एक्स स्क्वायर में चार से गुना करेंगे, चार एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक बटा चार से अगर हम चार में गुना करते तो चार से चार कट गया, क्या बच गया, एक, तो ये वाला एक बच गया, एक से कम एक्स, ओके, और यहां से इसी तरह एक बटा चार में अगर चार से गुना करते तो चार से चार कट जाएंगे, फिर क्या बच गया, एक बच गया, तो एक लिख देते हैं, तो यही आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चार है और एक दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर चार दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक दे दिया है, तो यहां से द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, तो आप लोग कहिएगा सर जी द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह हो जाता है, तो आइए यहाँ से अब इसका हम लोग मान रखते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दे रखा है, तो चार है, तो आइए यहाँ पे चार रखते हैं, साथ में एक्स है, एक्स लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, एक है, तो आइए एक रख देते हैं, अब यहीं पे हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे
प्रश्नावली 2.2 भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।